ओके गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनकी नेट की स्पीड बहुत स्लो आती है, ओके। और उसकी वजह से गाइस क्या कर पाते हैं, वो अपने किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं एक अच्छी सी स्पीड पर, और उनको घंटों लग जाते हैं बहुत ही कम साइज की फाइल को डाउनलोड करने में, और उनकी ब्राउजिंग स्पीड भी बहुत कम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊंगा, ऐसे तीन टिप्स या बोलूँ या ट्रिक बोलूँ ऐसे बताऊंगा, जिससे कि आपकी जो नेट की स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और उससे आपकी फ़ाइल भी बहुत जल्दी डाउनलोड होने लगेंगी, और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करना चाह रहे हो कहीं पर तो वो भी बहुत जल्दी से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो गाइस इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ में ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज़ मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले फ़ोन पर कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए गाइज, अबाउट फ़ोन में आते हैं और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा MI Max। तो गाइज मैं Xiaomi का MI Max यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि 3 GB रैम है और 32 GB का इंटरनल स्पेस है, ओके। ये जो ट्रिक तीन तरीके मैं बताने वाला हूँ आपके हर किसी एंड्रॉयड फ़ोन में वर्क करेगा, और ये जो तरीके हैं वो हर किसी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए वर्क करता है, और उसमें भी वो ऑप्शन होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन पे, ओके। देखिए सिम कार्ड में आते हैं और मोबाइल नेटवर्क में आते हैं। आपके फ़ोन में हो सकता है कि एक सिम हो या दो सिम हो, ठीक है। हमेशा आपको जिस सिम कार्ड में डेटा आपका है उस सिम कार्ड को आपको पहली सिम में रखना है, या जिसमें 4G LTE वाली सपोर्ट होती है उसमें डाल के रखनी है, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड उस समय कम आ रही हो, जिस समय आपको लग रही है भाई आपकी स्पीड बहुत कम आ रही है, ओके, तो उस समय क्या करना है, जिस इस सिम कार्ड में आपका डेटा है नहीं या जिस सिम कार्ड से आप डेटा को यूज़ नहीं करते, नेट यूज़ नहीं करते, उस वाली सिम कार्ड को आपको ऑफ़ कर देना है। तो गाइस ये मेरी जो सिम कार्ड 2 है, मैं इसमें नेट को यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ इससे मैं कॉल करता हूँ। मेरी जो पहली सिम है इसमें डेटा है, इसमें रुपया है, मैं इससे कॉल करता हूँ, लेकिन जो दूसरी सिम है बस मैंने ये नंबर चलाने के लिए डाल रखी है, ओके। तो जब कभी मेरे को लगता है कि मेरी स्पीड बहुत स्लो आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो आपको भी हमेशा ऑफ़ कर देना है अगर आपकी स्पीड कम आ रही है तो, ओके। ये गाइस पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए गाइस दूसरा तरीका ये है, आपको जो डेटा रोमिंग है इसको हमेशा ऑलवेज ऑन करके रखना है। अलाउ मोबाइल डेटा रोमिंग, इसको हमेशा आपको ऑलवेज ऑन करके रखना है। इसका फ़ायदा गाइस क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप अपने नेटवर्क के एरिया में नहीं होते हो, ठीक है। जैसे कि मेरी ये सिम है एयरटेल, मैं अभी मान लीजिए कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ या मैं अपने एरिया में नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में हूँ, मैं एक ही शहर में लेकिन बहुत दूर हूँ, तो वहाँ पर उतनी नेट की स्पीड नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ या आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पर भी हो, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर रहते हो, और लेकिन उस समय आप मतलब अपने एरिया से काफ़ी दूर किसी एरिया में हो और वहाँ पर नेट की स्पीड नहीं आ रही है, और आपने इस डेटा रोमिंग के ऑप्शन को भी ऑफ करके रखा है, तो उस समय 110% आपकी नेट की स्पीड बहुत जीरो आएगी या बहुत कम आएगी, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करके रखना पड़ेगा, आपके डेटा रोमिंग को हमेशा ऑलवेज ऑन करके रखना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर किसी दूसरे एरिया में भी जाते हो, एक ही शहर के किसी दूसरे एरिया में, तो वहाँ पे भी आपकी नेट की स्पीड बढ़िया आएगी, अच्छी आएगी, ओके। और अगर आपको लगता है कि आपका जो डेटा रोमिंग से नेट की स्पीड बहुत जल्दी बेकार हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करके रखना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑन करके रखना है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि सेट डेली डेटा लिमिट वाइल रोमिंग, जब कभी भी आप रोमिंग में आते हो तो आपकी जो डेटा लिमिट है उसको ऑन करके रखो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 100 MB खर्च होते ही मेरे को बता दे कि भाई मेरा 100 MB क्रॉस हो चुका है, तो मैं इस डेटा लिमिट को यहाँ पे इस ऑप्शन को डेटा रोमिंग को ऑफ कर लूँ, तो उसके लिए गाइस ये ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या है गाइस, देखिए यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि बैकग्राउंड में डेटा को ले रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि उनका कोई रोल नहीं है। अब जैसे पहले ही ऐप है, जैसे WPS Office है, ये नेट
लेता रहता है पीछे, लेकिन अगर मैं इसमें किसी फाइल को खोलूँगा तो उसमें नेट की जरूरत नहीं होती है। जैसे इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी है या IS स्टील टेबल है, मेटल कैलकुलेटर, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनमें डेटा का कोई रोल नहीं होता है। ये डेटा नहीं लेने चाहिए या लेते नहीं। अगर मैं नेट ऑफ करके भी इनको चलाऊंगा तो आराम से काम करेंगे, लेकिन अगर अभी मेरा नेट ऑन है तो ये बैकग्राउंड में डेटा को ले रहे हैं। तो इन सभी ऐप्स के आपको जो बैकग्राउंड में डेटा यूटिलाइज़ कर रहे हैं उन सभी को बंद करना पड़ेगा आपको। वो कैसे होता है, आपको सिक्योरिटी में आना है, और सिक्योरिटी में आने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे आना है डेटा यूजर्स पे। डेटा यूजर्स पे आने के बाद रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजर्स पे जाना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे ऐप मिलेंगे जिनमें कि डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जैसे एवेरिया है, तो मैं इसके डेटा को ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ फोटो को एडिट करना होता है, तो इसमें मैं फालतू में अपना डेटा क्यों दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनमें डेटा बैकग्राउंड में यूटिलाइज होता रहता है और जिससे कि हमारे नेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको उन सभी ऐप्स को बंद करके रख देना है यहाँ पे, या अनटिक कर देना है, उन सभी ऐप्स का डेटा को ऑफ कर देना है जो कि फालतू में डेटा को यूज़ कर रहे हैं और जिससे कि ओवरऑल फ़ोन में जो नेट की स्पीड है बहुत कम आ रही है। एक तरीका तो गाइस ये है। दूसरा तरीका है, और मैं बता देता हूँ इसको करने का। आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे इंस्टॉल्ड ऐप में आना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेटा ऑफ करना है, मैं बताता हूँ, जैसे सब्सक्राइबर काउंट के लिए, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस। यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद तीन ऑप्शन हैं, वाईफाई, मोबाइल डेटा, सिम कार्ड 1, मोबाइल डेटा, सिम कार्ड 2। जैसे मेरे को सिम कार्ड से मेरे को इसको चलाना ही नहीं है ऐप को, तो मैं इसको अनटिक करके ओके कर दूंगा। अब जैसे मेरा नेट ऑन है तो ये ऐप वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको डेटा को ऑफ कर दिया है, ओके। तो इसका गाइस फ़ायदा यही रहता है कि मैं उन सभी ऐप्स को बंद कर दूंगा या उन सभी ऐप्स की डेटा को ऑफ कर दूंगा जो कि फालतू में ऐप्स के जो मतलब डेटा है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ओवरऑल फ़ोन की स्पीड को, जो डाउनलोडिंग स्पीड है या अपलोडिंग स्पीड है, ब्राउजिंग स्पीड है, उसको बेकार कर रहे हैं, ओके। एक तरीका और आता है इसमें गाइस, ये बैटरी सेवर है। इसमें भी आप यहाँ पे ऑप्शन आता है बैटरी सेवर रिकमेंडेड, आइडेंटिफाई द ऐप्स एंड एक्टिविटीज़ टू कीप इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग गोइंग, बैटरी सेवर विल ट्रीट इंपॉर्टेंट ऐप सेलेक्टिवली। बैटरी सेवर से डेटा का क्या मतलब है, देखिए गाइस, बैटरी सेवर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऐप्स हैं अगर आपने उनको बैटरी सेवर पर नहीं लगा रखा है तो क्या होगा, वो पूरा अपना जितना भी उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करेंगे, ओके। और उस केस में क्या होगा, आपकी जो बैटरी है पूरी खपत होगी, पूरी यूटिलाइज होगी, और पूरी यूटिलाइज सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर ऐप को पूरा बैटरी को यूज़ करने के लिए दिया हुआ है परमिशन, और उस केस में वो आपके पूरे डेटा को यूटिलाइज करेंगे बैकग्राउंड में, ओके। तो आपको क्या करके रखना है, अपने हिसाब से जो जो ऐप आपको लगते हैं कि जिनमें नेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन सभी ऐप्स को आपको बंद करके रखना है, ओके। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि मिल जाएंगे, जैसे WhatsApp है, ये तो हमेशा नेट से ही चलता है, तो इसमें आपको बंद नहीं करना है। जैसे ये एवरी है, मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, ये फोटो एडिटिंग ऐप है, इसमें आप आराम से इसको बंद कर सकते हो, ठीक। और देखिए कंपास है, इसमें आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है तभी ये वर्क करता है, नहीं तो नहीं करता है, ओके। यहाँ पे ये ड्राइव है, ये ड्राइव एक ऐसा ऐप है जिससे कि आप फ़ोन के जो स्टोरेज होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो, कितनी फाइल्स हैं, कौन सी फाइल हैं, उन सभी को। तो आपको गाइस क्या करके रखना है, इसको भी बंद करके रखना है। यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके जो डेटा है उनको यूटिलाइज़ करते रहते हैं, ठीक है, उनको आपको बंद करके हमेशा रखना है जिससे कि आपकी ओवरऑल नेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो गाइस ये ऐसे तीन तरीके थे जिसको मैंने देखा है। एक तरीका गाइस ये भी है कि आप जब कभी भी ऐसा लगे कि आपकी नेट की स्पीड कम आ रही है तो आप मतलब अपने छत पे भी जा सकते हैं घर पे, ओके, वहाँ पे भी अच्छी स्पीड आती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको मेरी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स गाइस, हैव अ गुड डे एंड बाय।